नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त, बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ट्रेड अपेंडिस 160 पद पर वैकेंसी। न्यूक्लियर ऑफ पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत फीडर, टर्नल, मशीनिट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिल्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में इच्छुक योग्य उम्मीद्वार PCIL अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए उम्मीदवार अधिकारी की वेबसाइट ncpccareer.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी, 13 सितंबर 2021 तक चलेगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आखिरी तारीख बीतने के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अप्लाई करते वक्त नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। CIL में निकली 193 क्लर्क पदों की भर्ती। भारत सरकार में मिनी रत्न कंपनियों में से एक साउथ इंडियन कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ग्रेड 3 में क्लर्क पद पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी। अधिसूचना के साथ ही कंपनी द्वारा मंगलवार 24 अगस्त 2021 से भर्ती अधिसूचना के अनुसार SECL के द्वारा आकारती विभागीय कर्मचारी से सामान्य लिपिक 196 क्लर्क पदों के लिए आरक्षण माने जा रहे हैं। इन पदों में 19 अनुसूचित जनजाति, 37 जाति और जनजाति के साथ ही उम्मीदवारों के लिए, जिसमें से रिक्तियां सर्वशक्ति के साथ ही बजट 2020-21 के अनुसार उपलब्ध है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ग्रेड 3 क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट SECL.CIL.IN पर भर्ती सिलेक्शन में दिए गए लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भर्ती सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 602 गेस्ट टीचर की जरूरत। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने योग्य उम्मीदवार से लेकर गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर लोगों के लिए आवेदन मांगे। यूनिवर्सिटी ने अलग अलग विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट imu.ac.in पर जाकर उपलब्ध है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, सभी पद टेम्प्रोरी पर है। पदों की कुल संख्या 602 है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक वेब नोटिस में अभ्यर्थियों को जानकारी दी है कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने की तारीख 24 सितंबर है। GNU एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन का कल है आखिरी दिन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए कल 27 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन रहा। जो उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू के प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो genuexam.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कर सकती है। इसके लिए उम्मीदवार 1 सितंबर से आवेदन फॉर्म में सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए 3 सितंबर तक विंडो खुली रहेगी। 8 सितंबर को परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। JNE के तहत 2020 एग्जाम परीक्षा 20 सितंबर से 23 सितंबर तक 4 दिन तक आयोजित चलेगी। देश में एक दिन में आए 46,000 पार केस। देश में एक बार फिर से लगातार दूसरे ही दिन कोरोना के नए मामले में उछाल है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 46,164 नए केस दर्ज किए गए, जो पिछले दिन की तुलना में 22.7% ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से केरल सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। ऐसे केसों में कुल 70% मामले अकेले केरल में है। राहत की बात है कि दैनिक संक्रमण दर लगातार 31 दिनों में 3% से नीचे बरकरार है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 7.38 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बिहार में रह रहे सावधान, देश के कई राज्यों में बढ़ रहा संक्रमण। बिहार अनलॉक हो गया, इसमें पाबंदियां खत्म हो गई, स्कूल लेकर मंदिर तक खुल चुके। अब हालात काफी हद तक सामान्य दिनों जैसे ही हो गए। ऐसे स्थिति में खतरा और बढ़ जाता है, जिसमें देश के कई राज्यों में कोरोना का बढ़ ज्वारा गाब डरने वाला रह गया है। अब इसे सबक लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बिहार को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सरकार ने अनलॉक में से लेकर उसे लेकर कोरोना को लेकर बचाव की अपील की, साथ ही सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर निगरानी की बात कही। देश में 24 घंटे में 46,280 नए मामला दर्ज किया गया, जिसमें 24 घंटे में 605 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कई राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। केरल में 24 घंटे में 31,445 नए केस सामने आए हैं। MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी। मध्य प्रदेश STF में गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का आश्वासन देकर छात्रों से ठगी करने का गिरोह दो शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। इन 6 आरोपी फरार है। बिहार के सदस्य नीट के साथ ही शामिल होने वाली छात्रों का वेबसाइट से डाटा खरीदकर छात्रों और उनके परिजनों से संपर्क करते हैं। STF ने दावा किया कि आरोपियों के साथ ही देश भर के अलग अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर करीब 200 छात्रों के साथ ठगी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक 2013 में हाबीगंज थाना भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है। STF SP नवीन चौधरी ने बताया कि पोलिया बिहार निवासी संदीप कवरिया और दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरोह के 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। बैंकों में रहेगी लगातार 3 दिनों की छुट्टी। बैंकों में 3 दिनों से लगातार छुट्टी हो रही है। जी हाँ, आज सामान्य कामकाज के बाद बैंक मंगलवार को खुलेंगे। बैंकों में एक दूसरे शनिवार की छुट्टी 28 अगस्त को रहेगी। बैंक कर्मी 29 अगस्त रविवार के दिन साप्ताहिक छुट्टी पर रहेंगे, जबकि 30 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लगातार 3rd दिन सोमवार को बैंकों में अवकाश रहेगा। बैंकों का सामान्य कामकाज 31 अगस्त मंगलवार को हो जाएगा।
वैशाली में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, ताबड़तोड़ रेड में जुड़ी टीम। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत ज्वालपुर थाने में दलित टोला मंगलवार की रात 5 संदिग्ध लोगों की मौत के बाद अब उत्पाद विभाग की टीम हरकत में आ गई। उत्पाद विभाग की टीम ने राघोपुर में छापेमारी कर 219 बोतल अंग्रेजी शराब और लगभग 32 लीटर देशी शराब के साथ 3 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली डीएम उदिता सिंह, पुलिस कप्तान मनीष के राघोपुर पहुंचने के बाद शराब कारोबारी की नकेल कसने की दिशा में कार्यवाही और तेज कर दी गई। डीएम एवं एसपी ने उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस को इस संबंध में खास तौर पर दिशा निर्देश दिया। अब हर हाल में एटीएम में रहना होगा कैश, नहीं तो बैंक पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। शहरवासियों के लिए राहत की खबर, जी हां, अब उन्हें एटीएम से बिना कैश लिए लौटना नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए नया नियम बनाया है, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर यह नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियम के अनुसार 1 माह में 10 घंटे से ज्यादा समय तक किसी एटीएम में कैश नहीं रहता तो उसकी पूरी जवाबदेही संबंधित बैंक पर होगी। इस एवज में बैंक पर 10,000 से ज्यादा जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरबीआई के इस नियम के ग्राहकों को काफी सहूलियत और राहत मिलेगी। बैंक का मामला है कि यह नियम इसलिए बनाया जा रहा है कि एटीएम में हमेशा कैश रहेगा, ग्राहकों को निशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही अब कोई भी एटीएम से लेकर पैसे निकाले पहुंचेगा तो एटीएम में कैश नहीं होती तो ग्राहक ऐसे में सीधा बैंक को शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फोन नंबर 01123711333 या जिला अग्रिम बैंक प्रबंधक के मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। नालंदा में बोले मुख्यमंत्री, हम काम करते हैं विज्ञापनबाजी नहीं। नालंदा 208 बेंच के सब इंस्पेक्टर की वर्षिंग आउट परेड से भाग लेने राजगीर पुलिस एकेडमी का आईसीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि 15-86% दरोगा में 619 महिलाओं को वर्दी में देकर काफी खुशी हो रही। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में जितनी संख्या महिलाएं उतनी पुलिस विभाग में किसी अन्य राज्य में नहीं है। अगर किसी की होती है तो बड़े विज्ञापन छपरा देते हैं, लेकिन हम विज्ञापनबाजी नहीं काम करते हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से अपने कठिन प्रशिक्षण को पूरा किया है उस पर काबिले तारीफ है। नीतीश ने कहा कि 2013 में सरकार ने पूरे सरकारी विभाग में 33% महिलाओं के आरक्षण की घोषणा की, जिसे 2015 में लागू किया गया। अब आप लोग ऑफिसर बनकर ड्यूटी पर जाएंगे तो बात का ख्याल रखना होगा। बिहार में कानून का राज्य बना है। सीएम ने भी कहा कि महिलाओं के लिए कैनिक और शराब बंदी लागू थी, अब यह नहीं कह सकते पूरी तरह से अपराध रुक जाएगा। कुछ लोगों को गड़बड़ी करने की प्रवृत्ति है, उनके ठीक कहना है। साथ ही पहले थाने में एक पदाधिकारी के ऊपर विधि व्यवस्था और जांच की जवाबदेही होती थी, अब ऐसा नहीं। विधि व्यवस्था के साथ ही अलग और जांच के लिए अलग पदाधिकारी है। बिहार में एयरपोर्ट विस्तार के लिए केंद्र ने मांगी जमीन। बिहार में नए एयरपोर्ट खोले जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार से पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके तहत पटना दरभंगा एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण होगा। वहीं पर रक्सौल, मुजफ्फरपुर, पुरलिया में नए एयरपोर्ट खोले जाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बिहार के सीएम को पत्र लिखकर उनमें हवाई अड्डों के लिए भूमि आवंटन जैसे मामलों में निजी हस्तक्षेप का अनुरोध किया है, ताकि उनके विकास के कार्य में तेजी लाई जा सके। आपको बताया कि पटना दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू की जानी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह गया से लेकर शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यावसायिक बनाने में आने वाले गैप के लिए 100% सपोर्ट पर भी विचार करने को कहा। आपको बता दें कि पटना से काठमांडू और दुबई की उड़ान पर व गया से बैंकॉक, काठमांडू एवं से लेकर उड़ान की जाएगी। राज्य सरकार की सहमति मिलते ही केंद्र इन अंतर्राष्ट्रीय रूटों को उड़ान योजना की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ होगा। राजधानी के टिकट पर तेजस से सफर में नहीं बदलेगा बर्थ नंबर। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में पहले से टिकट करा चुके लोगों के 1 सितंबर से बदले हुए रैक में सफर कर सकेंगे। जी हां, राजधानी एक्सप्रेस को तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलाए जाने के बाद पहले से टिकट कराने वाले लोगों के सफर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें ना तो बर्थ नंबर लेना, ना ही उनके बदलाव किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि राजेश नगर के साथ ही नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का केवल रैक में बदलाव किया जा रहा है। यह ट्रेन में पहले से आरक्षण करा चुके लोगों को उसी टिकट पर अब बेहतर सुविधा के साथ सफर का आनंद मिलेगा। इस तेजस के साथ सफर को लेकर यात्रियों को नया अनुभव मिलेगा। बिहार से चलने वाली यह पहली तेजस ट्रेन होगी। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, हाजीपुर के रास्ते आनंद विहार से लेकर नाहरगुलान के स्पेशल ट्रेन बिहार के दिल्ली जाने जा रहे यात्रियों के लिए अब अच्छी खबर। जी हां, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रबंधक की ओर से 04076-04075 आनंद विहार टर्मिनल नगर साथ ही बिहार टर्मिनल वातानुकूलित सुपरफास्ट के साथ ही परिचालन किया जाएगा। 29 अगस्त से अगले आदेश तक प्रत्येक गुरुवार या रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से लेकर 31 अगस्त से अगले आदेश तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को परिचालन किया जाएगा। इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। सब्जियों के बाद अब दालों की कीमत में उबाल, अभी राहत मिलने की उम्मीद कब। सब्जियों के भाव में तेजी से परेशान को लेकर मुश्किलें बढ़ गई, अब दालों की कीमत भी बढ़ गई। दालों की कीमत में 2 से 5 रुपए की प्रति किलो तक वृद्धि हो रही। जाहिर की बात है, घरेलू बजट और चरमरा गए कारोबारी का भी कहने कर्मचार पैदावार का कीमतों का असर पड़ा है। सब्जियों में तेजी से लेकर दालों प्रतिकूल असर पड़ा है। जब सब्जियों में तेजी रहती है तो दालों की खपत बढ़ती है और कीमतें की दलत होती है। मौसम अनुकूल नहीं
रहनी किस दालों की पैदावार में 40% तक कमी का अनुमान है। इस वजह से दालों के भाव में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इस माह 2 से 5 रुपए के प्रति किलो तक दालों की कीमत बढ़ जाएगी। देश में दालों की नई पैदावार फरवरी मार्च में आ रही है, जिससे इसलिए अभी तक दालों में राहत की उम्मीद कम है। रोहतास में यूपी से लेकर पैसेंजर ट्रेन से ला रहे थे शराब, जीआरपी ने 2 को किया गिरफ्तार। यूपी से बिहार में ट्रेनों के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी। बीती रात पैसेंजर ट्रेन से अंग्रेजी शराब व बियर लेकर आए 2 तस्करों को जीपीआर सासाराम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जीपीआर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जीआरपी की टीम समकालीन अभियान के तहत महाबोधि एक्सप्रेस से भभुआ रोड गई ट्रेनों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। वरीय अधिकारी ने निर्देश कर दिया, अब तस्कर ट्रेन से यूपी से शराब ला रहे थे, इसलिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इन्होंने कहा कि शब तस्करी के कोई भी संदिग्ध होना कार्रवाई की जाएगी। कदाचार के आरोप में हटाए गए प्रतिनिधि नहीं लड़ सकेंगे पंचायत इलेक्शन। पद के दुरुपयोग और कदाचार के आरोप में पद से हटाए गए उपमुखिया 5 साल पुरानी नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, ऐसे लोगों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। जहाँ पटना जिले में 9 मुखिया ऐसे जिन पर बीते जून में नल जल योजना में बीते गड़बड़ी मामले का प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के बाद से ही जिन मुखिया और उप मुखिया पर पद पर निहित शक्ति के दुरुपयोग या उनके दायित्व के निर्वहन के दुरुपचार किया जाता है, प्रमंडलीय आयुक्त अथवा राज्य सरकार के द्वारा पद से हटाए गए तो सक्षम प्राधिकार और अन्य के द्वारा स्थगित कर रद्द नहीं किया गया, तभी पद से हटाए जाने की तिथि से लेकर 5 साल तक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं रह सकेंगे। पानी पानी हुआ रोहतास शहर, वार्डन में बाढ़ जैसा नजारा, जल जमाव से लेकर बड़ी परेशानी। अब बड़ी परेशानी के साथ ही बीते दिन 3 दिनों से जारी बारिश के साथ ही गांव में शहर और पानी हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलमग्न हो गया है। कई वार्डों में भी बड़ा जैसा नजारा उत्पन्न हो गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही। दफ्तर से लेकर आवास तक पानी घुस गया, ऐसा जगह नहीं बचा जहां पर लोग चैन से रह सके। जल जमाव से परेशान शहरवासी अब इस प्रदर्शन पर अपनी मांग को लेकर रखने लगे। गुरुवार को धर्मशाला रोड पर दुकानदारों की भी जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह के द्वारा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सदर अस्पताल, न्यू स्टेडियम, समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, परिषद झील में तब्दील हो गया। यहां तक कि अधिकारी के आवास में भी पानी जम गया है। शहर के कई मोहल्ले की स्थिति इतनी खराब हो गई कि घरों में पानी प्रवेश कर गया, जबकि उत्तरी क्षेत्र में बारिश का पानी पुरानी चीठी रोड पर छोड़ गया। साथ ही माइकों से पुरानी चीठी रोड पर एसपी जैन कॉलेज मार्ग के ऊपर से पानी बह गया है। गोपालगंज में खुजली वाला पाउडर छिड़क कर उचक्के ले उड़े 1 लाख अपराधी। वारदात को अंजाम देने के लिए हमेशा नए तरीके खोजते। जी हां, आम लोगों से लूटपाट के लिए कोई कभी धारदार हथियार तो कभी बंदूक का सहारा लेते, लेकिन इस बार गोपालगंज में अपराधी ने लूटपाट के लिए अजीबो तरीका अपनाया है। जी हां, प्रखंड मुख्यालय हथुआ के सिनेमा हॉल के समीप बैंक से रुपए निकाल रहे थे एक बुजुर्ग के शरीर पर उचक्कों ने खुजली वाला केमिकल वाला पाउडर छिड़क कर अक्स के पास से मौजूद 1 लाख रुपए उड़ा लिए। इस घटना को लेकर बुजुर्ग विक्रमशाह ने हथुआ थाना में आवेदन दर्ज किया। पुलिस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचक्कों की तलाश कर रही है। जहां इस घटना को लेकर बुजुर्ग ने हथुआ थाना के साथ ही आवेदन दे दिया। पुलिस अज्ञात उचक्कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कबाड़ की दुकान से हथुआ चीनी मिल से चुराए गए पार्ट्स बरामद। गोपालगंज थाना के द्वारा चनावे गाँव में NH 531 किनारे स्थित एक कबाड़े की दुकान पर SDO उपेंद्र पाल के नेतृत्व में पदाधिकारी तथा पुलिस की टीम ने छापेमारी द्वारा मरीजगंज स्थित बंद पड़े हथुआ चीनी मिले से चुराए गए काफी मात्रा में लोहे का पार्ट्स बरामद किया गया। इस मामले में दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दुकानदार फरार हो गए। बताया जा रहा था कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी को सूचना मिली कि मीरगंज में स्थित बंद पड़े हथुआ चीनी मिले से चुराए गए भारी मात्रा में लोहा के पार्ट्स चनावे में स्थित एक कबाड़े की दुकान में रखा गया था। इस सूचना पर DM ने थाने BDO मनीष कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। बलहा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, आवासीय इलाके में फैला पानी। बेगूसराय प्रखंड क्षेत्र की 8 पंचायतें बलाल पानी का तेजी से फैल रहा है। जी हां, रजितपुर, पतेला, राजापुर, बछवा, रदौली, बारगात, भीमरचक पंचायतों में नदी सटे कई गांव में आवासीय इलाकों में पानी फैलने लगा है, जिससे क्षेत्रों के कई जगहों पर 3 से 4 फीट पानी बह गया। रदौली गाँव के वार्ड संख्या 10 में औरा घाट के समीप मुरसा घाट से लेकर अब पानी बांध सिराव कहोनी से आवासीय इलाके में पानी बहने लगा। रदौली गांव वार्ड संख्या 10 निवासी उदय शंकर झार ने बताया कि औरा घाट के समीप बांध अध्यत्न की चौर्ज स्थिति है। अंचल प्रशासन के अधिकारी क्षतिग्रस्त जगहों पर मिट्टी से लेकर भरी बोरी डालकर बांध मजबूत करने को लेकर छीक पूछ पत्थर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर के चारों तरफ पानी फैल जाने से क्षतिग्रस्त जिंदगी जीने को व्यस्त हो गए। सिराव वाले पानी को लेकर अब तक पुनः मरम्मत की कोशिश की जा रही है। गोविंदपुर 3 पंचायत के राजापुर गांव स्थित वार्ड संख्या 7 और 8 के कई घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों के सक्षम जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो चुकी है।
पटना IGIMS में भी लगेगी 10 डायलिसिस मशीनें। IGIMS पटना में डायलिसिस की 10 नई मशीनें लगी सितंबर के लिए के अंत तक किसी मशीन किडनी रोग विभाग में लगाई जाएगी। अक्टूबर से इसकी सुविधा शुरू हो जाएगी, जानकारी IGIMS के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास ने दिया। बताया जाए किडनी रोग विभाग की सुविधाओं को लेकर बढ़ाई जाने की कार्रवाई की जा रही, इसके तहत वहाँ अत्याधुनिक उपकरणों से लगाए जाएंगे। इसके क्रम में 10 डायलिसिस मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ आवेदन जारी कर चुका है। कई मशीनों के लगने से लेकर आने वाले मरीजों को डायलिसिस के लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार दर पर डायलिसिस की सुविधा मरीज को मिल सकेगी। राज्य में 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मानसून के ट्रफ लाइन जैसे जैसे हिमालय की तटहटी वाले क्षेत्रों में जारी, बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ती ही जा रही। इलाके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बुधवार की देर रात से गुरुवार सुबह तक राजधानी में काफी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पुलिया, कटिहार, सुपौल जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। विशेष जिलों के एक से या दो स्थानों पर बिजली चमकने व मध्य स्तर के बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लीवर को फैटी होने से बचाना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों से करें परहेज। लीवर हमारी बॉडी का अहम अंग है जो हमारी बॉडी में खाने को पचाने का काम करता है। लीवर इन्फेक्शन से लड़ने, बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इतना ही नहीं, यह ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, साथ ही बॉडी में फैट को कम करने और प्रोटीन बनाने का काम करता है। बॉडी के लिए इतने उपयोगी अंग की देखभाल करना बेहद जरूरी। गलत और वसायुक्त खान पान आपके लीवर को फैटी कर सकता है। आप भी अपने लीवर को फैटी होने से बचाना चाहते हैं तो डाइट में कुछ चीज़ों को परहेज करें। मीठा से परहेज करें। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप अपनी इस आदत को बदल दें। ज़्यादा शुगर का सेवन ना सिर्फ बॉडी के लिए नुकसानदायक है बल्कि लीवर को भी फैटी करता है। ऑयल स्कैन कर सकती है लीवर फैटी। जी हाँ, अगर आप ऑयल फूड जैसे समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राई और स्प्रिंग रोल जैसे खाने के शौकीन हैं तो इन तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। नमक का सीमित सेवन के साथ ही कम करें। खाने में नमक का ज़्यादा सेवन भी आपके लीवर को ख़राब कर सकता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड जैसे ब्रेड, पास्ता, बिस्कुट का ज़्यादा सेवन करते तो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। शराब से करें परहेज। शराब लीवर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। शराब पीने से लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और इससे लीवर फैटी हो जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप इनसे बहुत सजेस्ट हैं, हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम हैं सबा नाजी, फरहान अंसारी, PK पासवान, कोमल चौधरी और टिंटन ओझा। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में नगर निगम के कार्यों के साप्ताहिक जांच आवश्यक है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।